दोस्तों एक बार ना एक छोटा सा बच्चा था 10 से 12 साल का, तो वो एक आइसक्रीम पार्लर में गया। तो वहां पे उसने आइसक्रीम पर नजर डाली, सारी की सारी टेम्पटिंग, येलो, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, अलग अलग कलर की अलग अलग आइसक्रीम्स देख के वो टेम्प्ट हो गया। तो वो अपने टेबल पे बैठ गया, तो वेटर आया, तो वेटर ने पूछा कि सर आप क्या लेंगे। तो उसने पूछा वो जो मैंगो बार है मिक्सचर जो है वो कितने की है। तो उसने बोला सर वो 50 रुपीज़ की है। तो उस बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी पॉकेट को टटोला, पूरा टटोला देखा और उसने सोचा अच्छा। तो उसने कहा कि सर वो जो ग्रीन वाली है वो कितने की है। तो वेटर थोड़ा सा ना उसको लगा कि अरे बच्चा इसके पास पैसे तो है नहीं, अपनी जेब को टटोल रहा है, तो ये क्या आइसक्रीम लेगा। तो उसने बोला वो 35 रुपये की है। तो ऐसे ही मतलब रूडली बोल दिया, उसको लगा कि जो और जो आए हैं, जो लोग आ रहे हैं, मैं उनको अटेंड करूँ कस्टमर्स को, इसको फटाफट से टरका दूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है सर आप मुझे ना एक वो ग्रीन वाली आइसक्रीम लेके दे दो। तो वो बच्चा आया, बच्चे के लिए वो आइसक्रीम लेके आया, उसने आइसक्रीम दे दी, बच्चे ने खा के, बच्चे ने बिल पे किया, पैसे रखे और चला। जब उस वेटर ने अपने बिल बुक खोला तो उसके अंदर 50 रुपये थे, 35 आइसक्रीम के और 15 उसकी टिप के। दोस्तों होता यही है कि हम ना लोगों को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, और वो भी कहीं ना नेगेटिव वे में करते हैं कि ये कहाँ कर पाएगा, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता। एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में, लेकिन नेगेटिव ही क्यों बनाते हैं, अच्छे थॉट हमारे माइंड के अंदर क्यों नहीं आते। इस दुनिया के अंदर अच्छाई है, इंसानियत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके एस्पिरेशंस ने, आपके इंस्पिरेशंस ने, आपके ड्रीम ने, आपके पैशन ने उसको ना लाइट कर दिया है। आप किसी भी मुकाम पर हैं, आप किसी भी स्थान पर हैं, पर अपने अंदर को, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर की मासूमियत को मरने मत दें। कर भला सो हो भला, डोंट जज, जस्ट डू द गुड थिंग्स दैट यू शुड डू फॉर ह्यूमैनिटी। Thank you.